वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रेस्ट कैंसर के अलामत के बारे में आज की वीडियो में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो रोजाना सबसे पहले देख सकेंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, कि ब्रेस्ट कैंसर या छाती का सरतान जो है वो खवातीन में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है। ये मर्द ज्यादातर खवातीन में पाया जाता है, मगर मर्दों में भी हो सकता है, यानी मेल्स में भी इसके चांसेस हो सकते हैं। टिबी माहरीन के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर से अमवात की बड़ी वजह जो है वो खवातीन का इस मर्ज की तशखीस में तखीर है, देर हो जाना है और बर वक्त इलाज ना होने के अलावा इस मौजू पर बात करने से कतराना भी इसमें शामिल है। लिहाजा एहतियात और आगाही ही इसका बेहतरीन हल है, यानी जितनी अगर आगाही अवेयरनेस होगी लोगों को, खवातीन को, तो वो लिहाजा एहतियात और आगाही ही इसका बेहतरीन हल है। ब्रेस्ट कैंसर की अलामत में ये शामिल है कि छाती या बगल में गिल्टी का होना, निप्पल का अंदर हो जाना, छाती के साइज और शक्ल में तब्दीली, पूरी छाती या किसी हिस्से में सूजन, स्वेलिंग वगैरह का होना, छाती का सुर्ख हो जाना, छाती की जिद का मोटा हो जाना, निप्पल से दूध के अलावा रतूबत या खून का अखराज भी इसमें शामिल है। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए इन अलामत के लिए बाकायदगी से अपनी छाती का मुआयना करते रहें। किसी भी अलामत की सूरत में अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें, रब्ता जरूर करें। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग जो है वो बजरिया मेमोग्राफी की जाती है और इसके लिए आप अपने डॉक्टर के मशवरे पर अमल जरूर करते रहें। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो। प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज कॉमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन जानते हैं या इस हवाले से कोई अलामत के बारे में आप जानते हैं, तो प्लीज हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को, नॉलेज को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इलम की बात आगे फैलाना भी एक नेकी है। तो प्लीज जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।